सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश टॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन मीना कस्टम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का सीएससी का कट ऑफ कितने जाते हैं डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग को मिला के। ठीक है, मैं एकदम टिल डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग कितना कट ऑफ जाएगा सीएससी का ये मैं आपको बोल दूंगा, एज वेल एज आप लोगों का क्वेश्चन रहता है भैया कैटेगरी वाइज बोलिए, मैं इस वीडियो में कैटेगरी वाइज सेपरेट करके सब कैटेगरी का बोल दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए शुरू करते पठाना, उससे पहले चैनल पर जो लोग पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को मस्ट ऑन कर ले, बिकॉज आकस्टम एजुकेशन पे आपको ऐसे ही WBJ के हर एक अपडेट मिलती है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, एंड एज वेल एज हमारा जो न्यू चैनल है जहां पे आपको IIT NIT बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की डिपेंडेंट मोटिवेशन मिलेगी उसको भी सब्सक्राइब कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। हां, मैं आपको जो चीज बोलूंगा ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ विद ऑल इंडिया कोटा। आप लोग जो वेस्ट बंगाल के आउटसाइड से हो उन लोगों के लिए अगर आपका रैंक अंडर 80 है, 80 अंडर 80 के अंदर है तो आप लोगों का फेयर चांस है जादवपुर में सीएससी पाने का। अगर आपका रैंक 100 से ज्यादा हो जा रहा है ऑल इंडिया कोटा से हो तो आपको जादवपुर में सीएससी नहीं मिलेगा। तो जादवपुर में सीएससी ऑल इंडिया से थोड़ा टफ है। और हाँ, मैं आपको और भी चीज बोल देना चाहता हूँ इसके अंदर कि जो लोग का स्कोर बहुत ही कम आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की, जिन लोग को 30 के बिलो आ रही है, 35 के बिलो आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे फॉर्म दिया हुआ है जाके फिल कर लो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी बहुत अच्छे कॉलेजेस पे एडमिशन करवाने के लिए। तो हाँ, दूसरे कोटा पे आते हैं, दैट इज जिनानेल कोटा। वेस्ट बंगाल के होम स्टेट से जो लोग हो जिनानेल हो उन लोगों के लिए 250 से लेकर 280 के अंदर, अगर आपका रैंक 280 के अंदर आ रहा है, 250 से लेकर 280 के अंदर, तो आपका चांस है आपको डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग से जादवपुर में सीएससी मिल जा सकती है। अच्छा, आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, दैट इज ओबीसी ए कोटा। अच्छा, ओबीसी ए के 1400 के रैंक के अंदर जिन लोगों का रैंक आ रही है उन लोगों का ऑब्वियसली गुड चांस है जादवपुर में सीएससी आप लोग आपका आ सकती है। अच्छा, आफ्टर ओबीसी है हम लोग देखेंगे ओबीसी बी के ऊपर। ओबीसी बी में आप लोग देख सकते हो कि 350 से लेकर 380, 350 से लेकर 380 के अंदर अगर ओबीसी बी में आप लोग हो और आपका रैंक है तो आप लोगों को जादवपुर में सीएससी मिल सकते हैं, फेयर चांस है आप लोगों का जादवपुर में सीएससी मिलने का। अच्छा, आफ्टर ओबीसी बी वी आर मूव टुवर्ड्स द एससी कैटेगरी। फॉर एससी कैटेगरी इफ योर रैंक इज अंडर 2500 के अंदर आपका रैंक आ रही है, 2500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो यू हैव अ गुड चांस टू गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी सीएससी टिल डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग। अच्छा, एंड लास्ट में जो बोल रहा हूँ कि एसटी कैटेगरी, जो लोग एसटी कैटेगरी से हो उन लोगों का रैंक अगर कुछ 11000 के अंदर है, 11000 के अंदर अगर उन लोगों का रैंक है तो दे हैव द गुड चांस टू गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी सीएससी टिल डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग। आपको इस ये जो मैंने रैंक बताया ना, ये सारे रैंक पे जिनारी राउंड पे कभी भी जादवपुर यूनिवर्सिटी का सीएससी नहीं मिलेगा, बट अगर आप लोग वेट करो डिसेंट्रलाइज तक ट्राई करो तो इस रैंक तक आपको मिल जा सकती है जादवपुर का सीएससी। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को जितना दूर हो सके प्लीज सब लोग देख के, तो हेल्प तो आपको मिला ही होगा, प्लीज सब लोगों को शेयर कर दो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है लास्ट में। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और भी मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आकाशम एजुकेशन पे आपको आती रहेगी, तो जुड़े रहिए आकाशम एजुकेशन के साथ। तो तब तक के लिए इतने, डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।